रांची खेलगांव स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हालांकि यहां पर किसी तरह की प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है। यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय लाल ने। खेलगांव अपने आप में झारखंड के लिए एक विरासत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैराकी प्रतियोगिता हुई है। यदि कोई प्रतियोगिता होनी होती है उसके 4-5 दिन पहले पानी बदल दिया जाता है। पूरी तरह से मनमोहक दृश्य मैं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस पर गर्व कर सकते हैं, यहां की संपत्तियों पर, यहां के निर्माण पर गर्व कर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ इस प्रकार से बनाया गया है ताकि किसी को भी, किसी प्रतियोगी को कोई शिकायत नहीं हो। और दृश्य दिखाई पड़ेगा वह भी अपने आप में आपको लगेगा कि ये झारखंड का खेलगांव, एक बार यहां आकर जरूर घूमना चाहिए। राज्य सरकार से भी अपील है कि जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे झारखंड में खेलगांव में, नियमित तरीके से एक रूटीन के माध्यम से एक व्यवस्था बनाकर लोगों को आने दिया जाए ताकि लोग देख पाए कि खेलगांव में है क्या। बैठकर दर्शक तैराकी प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं, क्योंकि बड़ी प्रतियोगिता भी हाल के दिनों में नहीं हुई है। पूरी तरह से आपका मन इस खेलगांव में आकर रोमांचित हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक डुबकी लगा ले यदि तैरना जानते हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। कहीं से कोई शिकायत मुझे नहीं लगता कि इस पानी में होगा, बिल्कुल कलकन पानी, साफ सुथरा पानी। तो अंदर तक की तस्वीर आप देख पाएंगे, कम से कम ये 7 फीट गहरा है। यार यदि टिकट की भी व्यवस्था हो तो वो भी किया जा सकता है, कुछ रेवेन्यू की भी प्राप्ति राज्य सरकार को हो जाएगी। चीजें ऐसे रखने से बहुत फायदा नहीं है, चीजों को कैसे इस्तेमाल किया जाए मुझे लगता है कि खेल विभाग के अधिकारी इन चीजों के बारे में जरूर सोचेंगे। क्रमण देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।